दीपाज किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू वाली पुणे की मशहूर तंदूरी चाय घर पर ही बनाना बताने जा रहे हैं। तंदूरी चाय बनाने के लिए सबसे पहले हम चाय बनाएंगे, तो इसके लिए हमने 2 कप दूध लिया है और इसमें हम मिलाएंगे 1/2 कप पानी और इसे बॉयल होने देंगे। चाय में उबाल आने लगा है और इसमें हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच चीनी, 2 छोटी इलायची को हमने तोड़ दिया है, 2 छोटे चम्मच चाय की पत्ती, इसे आप अपने अकॉर्डिंग कम ही ज़्यादा कर सकते हैं। चाय में उबाल आ गया है, अब इसको हम लो फ्लेम पे पकने देंगे। और इधर हमने एक मिट्टी का कुल्हड़ लिया है, देखिए ये आपको नर्सरी में या जहाँ गमले वगैरह मिलते हैं वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। अब इसे हम गैस पे पकाएंगे, इसे हमने धोकर धूप में सुखा लिया है, अब इसको हम गैस से पकाते हैं। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएंगे हम इसे। जब तक इसे कलर ना चेंज हो जाए, सब तरफ से हम इसे घुमा घुमा के पकाएंगे। कुल्हड़ को हमने चारों तरफ से, अंदर से भी और बाहर से भी अच्छे से देखिए सेक लिया है बढ़िया से। अब यहाँ गैस बंद कर देते हैं। इसको रखेंगे हम एक दूसरे बर्तन में, बड़े बर्तन में, और इधर हम चाय को छान लेते हैं एक बर्तन में। हमने कुल्हड़ को एक दूसरे बर्तन में रखा बड़े बर्तन में, अब देखिए चाय इस पे हम डालेंगे ऊपर से। ये देखिए कितनी बढ़िया मिट्टी की खुशबू आ रही है इसमें सौंधी सौंधी। अब इसको हम इसी में पलट लेंगे, बहुत बढ़िया मिट्टी खुशबू आ रही है। तंदूरी चाय बनके तैयार है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।